और दोस्तों, क्या हाल चाल है? आज एक बहुत अहम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपना आईफोन दिखा रहा हूँ क्योंकि किश्तों पे लिया है और थोड़ा सा शो ऑफ करना भी जरूरी है ना। बात करेंगे सिफेक्सिम प्लस एजिथ्रोमाइसिन प्लस लैक्टिक एसिड बेसिलस, ये जो साल्ट है किस काम में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब कोविड टाइम था ना, कोविड टाइम तो गवर्नमेंट ने एजिथ्रोमाइसिन दवा के चलाई थी, दवा के कि जाओ एंटीबायोटिक खाओ, कोरोना भगाओ कोरोना भगाओ। लेकिन कुछ पेशेंट पे अफेक्ट कर गई, कुछ पेशेंट पे अफेक्ट नहीं करी। तो ऐसे में जब प्राइवेट डॉक्टर्स को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि भैया सिफेक्सिम भी इसके साथ देते हैं तो हो सकता है कुछ असर कर जाए। लेकिन गवर्नमेंट वालों ने सिफेक्सिम इसके साथ नहीं लगाई, लेकिन प्राइवेट वालों ने सिफेक्सिम लगाई तो जब जाके पेशेंट को आराम हुआ। तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि ये किस किस कंडीशन में काम आता है। तो देखो, अगर किसी का गले में ज़्यादा इन्फेक्शन है ना, ज़्यादा ही भयंकर एकदम, तो उस कंडीशन में ये साल्ट काम आते हैं। दूसरी बात, हाई फीवर, बहुत ज़्यादा हाई फीवर, तो उस कंडीशन में भी काम आता है। और गले में टॉन्सिलाइटिस की दिक्कत हो जाती है ना, टॉन्सिल स्टोन बन जाते हैं, टॉन्सिल इन्फ्लाम हो जाते हैं ये वाले, तो उस कंडीशन में भी आपके जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और चौथी बात, जैसे कोई चोट वगैरह लग जाती है या दांतों में भयंकर इन्फेक्शन है, दाढ़ों में इन्फेक्शन है, आपका जो जख्म है, जख्म वो भर नहीं पा रहा, तो उस कंडीशन में भी हम सिफेक्सिम प्लस एजिथ्रोमाइसिन प्लस लैक्टिक एसिड बेसिलस दे सकते हैं। और देखो, बहुत ज़्यादा हाई डोज होती है, क्योंकि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन ले, अपने फार्मासिस्ट से कंसल्टेशन ले, उसके बिना, अपने राय मशवरा के बिना इस टैबलेट को ना लें, क्योंकि ज़्यादा ही असरदार है। कभी पता चला आपको दस वस्त लग गए, आप फिर मुझे गाली दो, है ना। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। और थोड़ी सी महंगी है दोस्तों, 25 रुपये की एक टैबलेट आती है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रख के चलना है ना। तो ये सब बातें आप ध्यान रखोगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। और दोस्तों, लेने का तरीका वही है कि सुबह शाम ले सकते हैं एडल्ट के लिए, लेकिन बच्चे के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मुझे नहीं लगता कि बच्चे के लिए सिरप आते हो सिफेक्सिम प्लस एजिथ्रोमाइसिन में, क्योंकि मैंने तो अभी तक देखा नहीं है। हो सकता है आए तो, लेकिन मुझे नहीं पता। बाकी आपको कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और दोस्तों ये बताना कि आईफोन कैसा लगा। चलो, बाय बाय।